नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिलीप कुमार, आमिर खान और शाहरुख की तुलना सांपों से। भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के मंत्री ने कहा कि अभिनेता आमिर खान यदि भारत से प्रेम नहीं करते हैं तो वे पाकिस्तान जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि आमिर, शाहरुख तथा दिलीप कुमार सांपों की तरह है। दरअसल शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम से आमिर खान के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। कदम ने कहा कि यदि उन्हें अब देश से प्रेम नहीं रह गया है तो वे पाकिस्तान जा सकते हैं। पुलिस को जांच करनी चाहिए कि क्या आमिर का बयान राष्ट्र विरोधी है। कदम ने कृतज्ञता के लिए आमिर खान, शाहरुख खान और दिलीप कुमार की तुलना सांपों से की। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी मार गिराए। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना ने एक लंबी मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। आतंकवादियों के कब्जे से 3 AK-47 राइफल जब्त की हैं। समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। पता चला है कि आतंकवादियों की संख्या 7 से 8 है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह सीमा पार से आतंकवादियों ने अचानक गोरखा राइफल्स के कैंप पर हमला बोल दिया था और ग्रेनेड फेंककर कैंप के भीतर घुसने की कोशिश की थी। अभिनेता आमिर खान पर बकाया है लगान। किसानों का लगान माफ कराने के लिए क्रिकेट के जरिए जीत हासिल करने वाले किरदार को जीवंत करने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनके परिवार वालों पर फसली लगान बकाया है। इसकी वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला प्रशासन की ओर से परिवार को बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। शाहबाद के उप जिलाधिकारी अशोक शुक्ला ने बताया कि 817.95 रुपए का लगान आमिर खान और उनके परिवार वालों को जमा कराने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में पुश्तैनी मकान के केयर टेकर को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अख्तियारपुर गांव आमिर का पुश्तैनी मकान, जमीनें और बाग हैं। आमिर पर 118.20 रुपए, उनकी बहन निकहत खान पर 608 रुपए तथा ताहिर रईस और अन्य परिवारजनों पर 93.75 रुपए का फसली लगान बकाया है। भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात करेगा रूस। रूस ने अपने एक लड़ाकू विमान को गिराए जाने के बाद सीरिया के पश्चिमी प्रांत लताकिया के पास भूमध्य सागर में एक युद्धपोत तैनात करने की घोषणा की है। रूस की समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्की द्वारा लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद क्षेत्र में बढ़े तनाव के मद्देनजर जल्दी ही युद्धपोत को तैनात किया जाएगा। उसने कहा कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना के बाद तुर्की के साथ हर तरह के सैन्य सहयोग को निलंबित कर दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।